दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बैंक भर्ती की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2020 की एक और बड़ी भर्ती निकली है जिसका नोटिफिकेशन भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिस अटेंडेंट की भर्ती है। 10वीं पास कैंडिडेट इस बैंक की भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। 23,700 सैलरी आपको पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आप इस भर्ती के नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं बैंक वैकेंसी की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। ऑफिस अटेंडेंट इन ग्रुप सी की ये भर्ती है। ऑल स्टेट के लिए वेरियस वैकेंसीज निकली है जिसकी जानकारी आप यहाँ नोटिस से चेक कर सकते हो। सभी स्टेट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज की जानकारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, सैलरी 10,940 से 23,700 पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। इस भर्ती के लिए 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। बात अगर आयु में छूट की जाए तो आप नोटिस से चेक कर सकते हो। एस सी एस टी के लिए 5 साल की छूट है, यानी कि इसके लिए 35 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। OBC कैटेगरी के लिए 3 साल की छूट है, इनके लिए 33 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। PWBD के लिए यहाँ पर जो जनरल है इनके लिए 10 साल की और OBC के लिए 13 साल की, 15 साल के SC ST के लिए छूट दी गई है। EX सर्विसमैन के लिए भी आप चेक कर सकते हो। साथ साथ जो बाकी की कैटेगरी है उनके लिए भी 10 और 5 साल के यहाँ पर आयु में छूट दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बात अगर यहाँ पर आवेदन शुल्क की जाए तो SC ST PWBD या EX सर्विसमैन के लिए ₹50 आवेदन शुल्क है। ऑल अदर्स के लिए ₹450 आवेदन शुल्क है, जो कि आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी के LPT के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, बात अगर पैटर्न की जाए तो आप यहाँ से सिंपली रीड कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पर प्री ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न चेक कर सकते हो। टेस्ट ऑफ रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन है, 30 यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी 30 क्वेश्चन है और 30 मैक्सिमम मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस के लिए भी 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है और मैक्सिमम मार्क्स भी 120 है। 90 मिनट का इसके लिए यहाँ पर टाइम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बात अगर मेन एग्जाम पैटर्न की जाए तो भी आप यहाँ से PDF से चेक कर सकते हो। टेस्ट ऑफ रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स है। क्वान्टिटी एप्टीट्यूड के लिए 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मैक्सिमम मार्क्स है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी 35 क्वेश्चन है और 35 मैक्सिमम मार्क्स है। तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। 120 मिनट का यहाँ पर इसके लिए भी टाइम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर ये मेन और प्री एग्जाम होगा। आप यहाँ से पूरी जानकारी चेक कर सकते हो। डिटेल्स में यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके सिंपली रीड कर सकते हो। अप्लाई इस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, किसी भी राज्य से। NABARD.org ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे। जी हाँ दोस्तों, 25 दिसंबर 2019 यानी कि आज ही से स्टार्ट हो चुके हैं। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की और फीस पेमेंट की 25 दिसंबर 2019 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की और फीस पेमेंट करने की 12 जनवरी 2020 है। प्रिंटिंग एप्लीकेशन की लास्ट डेट 27 जनवरी 2020 है। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हेल्ड होंगे वो होंगे फरवरी 2020 में। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF का लिंक दिया गया है। जिसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसके नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी, जिसको आप सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिस अटेंडेंट की भर्ती है ग्रुप सी में। इंडियन सिटीजन से यहाँ पे आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। बैंक के अंतर्गत ये भर्ती है। 25 दिसंबर से 12 जनवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, NABARD.org पोर्टल से आप ऑनलाइन कर सकते हो। डेट आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, साथ साथ जैसे आप इस PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको वैकेंसीज दी गई है ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए। स्टेट या ऑफिस वाइज आप यहाँ से सिंपली रीड कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज आप यहां से चेक कर सकते हो। इसी तरह जैसे आप इस PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर आपको डिटेल्स में जानकारी दी गई है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है,
कैसे आप ये इसकी अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए सभी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनको आप रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन के पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। साथ साथ दोस्तों हमारे पोर्टल पर ही यहीं पर आपको अप्लाई के लिंक भी दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन और लॉग इन टू अप्लाई ऑनलाइन। दोस्तों अगर आपने पहले से इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको आपको कम्प्लीटली फिलअप करना होगा, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, डिटेल्स आपको डालनी होगी, प्रीव्यू चेक करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और पेमेंट करना होगा और फाइनली सबमिट कर देना होगा। ऐसे आप इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिंपली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको लॉगिन टू अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो लॉगिन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर देना होगा। तो दोस्तों ऐसे आप इस भर्ती के लिए डायरेक्टली इसे लॉगिन टू अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, और ऐसे आप इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, और साथ साथ दोस्तों ऐसे आप इस भर्ती की यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।